सो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड गाइस, काफ़ी यूनिक होने वाली है। यूनिक इसलिए होने वाली क्योंकि पिछली वीडियो जो मैं लाया था सोसिस ब्रांड की एम्पलीफायर, वो 5000 वाट का एम्पलीफायर था, जो कि काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर था। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो 7000 वाट की एम्पलीफायर होने वाली है, जो कि सोसिस की तरफ से होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा प्रीमियम एम्पलीफायर होने वाली है, जो कि सोर्सेज की तरफ से आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलने वाली है, क्या कैसी क्वालिटी होने वाली है, कितने ओम पे क्या वर्क करने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आप जानकारी देते हैं। गाइस, VPA 5000 के बाद लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए VPA 7000। ये एम्पलीफायर दिखने में हूबहू है, बट हम हर चैनल्स जो वीडियोस बनाते हैं उस पर ये सोचते हैं कि सेपरेट वीडियो आए तो आपको जो कन्फ्यूज़न है या ना हो, और अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं तो डायरेक्ट वो मॉडल आपके सामने आ जाए। तो बात करेंगे आज VPA 7000 की, जो कि है ये भी 4 चैनल का एम्पलीफायर है। अगर आपको कम वॉट की ज़रूरत है, आप इसको आपको थोड़ा सा कॉस्ट इसकी हैवी लग रही है, तो आप 5000 के लिए जा सकते हैं, जिसकी वॉटेज 5000 है। टोटल वॉट जो मैं बता रहा हूँ 4 चैनल को मिला के, वो 5000 है, और ये है 7000 का। बात करें अगर मैं इसकी, अगर आपको वॉटेज पहले बता दूँ, पहले सबसे पहले तो जो देख रहे हैं नए उनके लिए यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन लगाया गया है इस एम्पलीफायर में, जिन्होंने पिछली VPA 5000 नहीं देखा। और सोसिस की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। जो पैनल है ना, वो काफ़ी बढ़िया पैनल इन्होंने इसमें यूज़ किया गया है, क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। मॉडल नेम आपको मिल जाएगा VPA 7000। दिखने में 5000 भी और 7000 सेम है, बस 7000 में वोल्टेज ज़्यादा मिलने वाली है। 4 चैनल का एम्पलीफायर है, BIS सर्टिफाइड है। हर एम्पलीफायर इनके BIS सर्टिफाइड है, BIS सर्टिफाइड अप्रूव्ड एम्पलीफायर्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और जितने भी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर, प्रोटेक्ट, लिमिटर, सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब मैं अगर आपकी इसकी वोल्टेज की बात करूँ, देन उसके बाद आपको बैक में लेके चलता हूँ। और सबसे पहले वोल्टेज अगर मैं बताऊँ इसको, तो अगर आप इस एम्पलीफायर को 8 ओम पर रन करते हैं, तो ये आपको एम्पलीफायर देगा 800 वॉट पर चैनल। और अगर आप इसको 4 ओम पर रन करेंगे इस एम्पलीफायर को, तो ये आपको देगा 1200 वॉट पर चैनल। और लास्ट में अगर आप इसको 2 ओम पर भी रन करते हैं, तो 2 ओम पर ये आपको एम्पलीफायर देने वाला है 1700 वॉट पर चैनल। तो ये था आपको जो पर चैनल, जितनी भी आपको वोल्टेज बताई वो सारे पर चैनल थी। 4 चैनल के एम्पलीफायर हैं। अब आप इसको ब्रिज मोड पर रन करते हैं, तो 2 चैनल इसके एक हो जाते हैं, 2 चैनल इसके एक हो जाते हैं। अगर आप इनको 8 ओम पर रन करेंगे, तो ये आपको देगा 2400 वॉट पर चैनल। और अगर आप इसको 4 ओम पर रन करेंगे, तो ये आपको देगा 3400 वॉट पर चैनल ब्रिज मोड पे। तो ये थी पूरी की पूरी वॉटेज की, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी। वेट की बात करें, 26 किलो इसका वेट है, टोटल जो वेट है वो 26 kg इसका वेट है। डैम्पिंग फैक्टर इसका 500 अबव आपको डैम्पिंग फैक्टर मिलने वाला है, और सेम वही फीचर्स के साथ आता है पूरा कंप्लीट, वोल्टेज बढ़ जाता है। हाँ जी, इसमें प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। एच क्लास सर्किट में ये एम्पलीफायर आता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी पैनल पर आपको सोसिस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अगर मैं इसको पीछे से दिखाऊँ, तो हैवी लीड एंड वायर इसमें यूज़ की गई है। यहाँ पर आपको सारे के सारे सेम आपको फैंस हो गए, मोड हो गए, सेंसिटिविटी के, ब्रिज के, पैरेलल के, वो सारे आपको मोड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सेपरेट आपको स्पीकॉन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं चैनल्स के, और यहाँ पर आपको फ्यूज़ मिल जाता है। जो इसकी वायर है ना, ये भी काफ़ी हैवी वायर्स इसमें यूज़ की गई है, क्वालिटी काफ़ी मस्त बनाई गई है एम्पलीफायर की। और अगर आपको इन एम्पलीफायर्स को यूज़ करने हो, तो आप रन कर सकते हैं टॉप के लिए, बेस के लिए भी यूज़ करिए, और लाइन एरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट चैनल पर चलाइए, काफ़ी ज़बरदस्त एम्पलीफायर, प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर। और अगर किसी के मन में ये भी डाउट रहता है कि भैया एम्पलीफायर, जो ये एम्पलीफायर होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है, कोई भी अगर एम्पलीफायर में फॉल्ट आता है, कोई भी पार्ट्स आपको चाहिए हो, तो आपको आउटलेट पर, या अगर आप डीलर से लेते हैं, तो वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर। अगर आपके एम्पलीफायर में कोई, वैसे तो नहीं आता है, इन केस इन फ्यूचर कोई भी फॉल्ट आता है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं सोसिस के जो दिल्ली में स्टोर है, वहाँ से ले सकते हैं। दिल्ली के दिलसाद गार्डन में इनका स्टोर है,
जहां आपको सारे के सारे एम्पलीफायर्स स्पीकर्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं वाइड रेंज आपको स्पीकर्स की मिलती है, जिसमें आपको काफ़ी क्वालिटी देखने को मिलेगी। और ये जितनी भी आपको मैं एम्पलीफायर दिखाता हूँ, ये सारे के सारे सोसिस ब्रांड हाई क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी आप बोल सकते हैं फुली चेक्ड एम्पलीफायर लेके आती है। तो आज की वीडियो यही थी। आखिर खरीदने के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से आप ये एम्पलीफायर खरीद सकते हैं। तो गाइस यार, इस वीडियो में इस एम्पलीफायर का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कई भाई का हमें ये कमेंट आ रहा हो कि इसको हम परचेस करना चाहे या इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके कंपनी से बात कर सकते हैं या इसका प्राइस जान सकते हैं या इसके बारे में जानकारी चाहिए एम्पलीफायर के बारे में तो आप जानकारी भी ले सकते हैं। कई भाई को क्या ये हमें डाउट रहता है कि भैया हमें मैं बहुत दूर से हूँ कैसे लूँ, अगर डीलर है तो आप नंबर बता दीजिए। तो गाइस यार, नंबर होगा स्क्रीन पे कंपनी का, आप वहां से डायरेक्ट डीलर का भी नंबर लेके आप बात कर सकते हो और इसके बारे में एम्पलीफायर के बारे में जानकारी भी ले सकते हो और परचेस भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलो वीडियो को आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जब तक ले जय हिंद जय भारत।